जनमानस और जन समुदाय के लोगों से कहें, प्रणाम करता हूँ गुरु जी आपको और इंटरनेशनल आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मैं आपसे एक विनम्र विनती करूंगा कि इस कार्यक्रम का संचालन जो हमारे शर्मा जी ने तहे दिल से किया है, जरा आप लोग उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजावें। इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन शायद ही कोई कर पाएगा जितना कि हमारे शर्मा जी ने किया है। तो इनके लिए आप लोग थोड़ा जोरदार तालियां बजावें। ये कार्यक्रम की आत्मा शर्मा जी हैं। शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजावें, जिन्होंने दिल से इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया कि जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैडम के लिए थोड़ा एक बार जोरदार तालियां बजावें, इसलिए कि जो कार्यक्रम प्रेजेंट करता है उनके लिए तालियां बहुत कम बजती हैं। तो मेरा तहे दिल से आपके निवेदन है कि आप लोग इनके लिए तालियां बजाएं। मैं गुरुजी डॉक्टर धर्मेंद्र जी की तहे दिल से तारीफ करता हूं, जिन्होंने HIV/AIDS के लिए कितना बड़ा अपने जीवन का पूर्ण उद्देश्य बना दिया। 55,000 मरीजों को जिन्होंने स्वस्थ किया, ये बहुत ही तारीफे काबिल है। मैं तन मन धन से और हमारा ट्रस्ट अपने पूरे मनोयोग के साथ तन मन धन से डॉक्टर धर्मेंद्र जी के साथ है और इनके टीम के साथ है। इनके टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजावें। और मैं इनको आशीर्वाद देता हूं कि ये ऐसे ही समाज का सेवा करते रहे, ताकि समाज में एक जागरूकता पैदा हो कि जिसको देख के लोग मिसाल दें कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने ऐसा काम किया कि उनके पीछे हमें भी चलना चाहिए। आगे हम डॉक्टर साहब को एक सलाह देंगे कि हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है कि एड्स जो होता है, जब हमारे शरीर में फैलना शुरू करता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होते जाती है। तो इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर मरीज को हम पानी में तुलसी के पत्र डाल के और रुद्राक्ष के 5 बीज डाल के अगर रोज हम दवा के साथ पिलाते हैं तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ती रहती है, जो कि एक प्राकृतिक क्रिया है। तो डॉक्टर साहब से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने मरीजों को अपने दवा के साथ साथ ये भगवान की दी हुई मुफ्त की चीज भी जरूर बताते रहें। तहे दिल से मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। उपस्थित सारे लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, सारे लोग फले फूले, यही मेरी विनती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आप।